महापौर सीताराम जायसवाल ने शहर के नागरिकों को छठ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि छठ पर्व पर सभी घाटों पर नगर निगम की तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उन लोगों को मास्क दिया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण का भी कोई खतरा ना हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सभी लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घाट तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छठ पर्व देश का एक महान पर्व है। इसमें महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य देव की आराधना करती हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छठ पूजा हो रही है और शनिवार की सुबह सभी लोग उगते सूरज को अर्घ देकर भगवान सूर्य से अपने परिवार के समृद्धि सुख की कामना करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भगवान सूर्य से यह कामना करते हैं कि महानगर वासियों को कोरोना वायरस से जल्दी मुक्ति दिलाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। श्री श्री छठ सेवा समिति पुलिस प्रशासन महोदय का आर्थिक व्यवस्था से घाट पर व्यवस्था हो रहा। हमारी समिति पुलिस प्रशासन का दुनिया के आगे रास्ता संकरा है, कृपया धीरे धीरे अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। बाइक वाले भैया से अनुरोध है कि आपके पास बाइक है, आप थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं। छठ पूजा का प्रथम दिवस है, तकिया घाट पर नगर निगम के तरफ से फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 30 से 40 हजार श्रद्धालु उपस्थित है। सभी लोगों को मास्क दिया जा रहा है और साथ ही साथ विशेष सतर्कता भी बढ़ती जा रही है कि लोग दूरी बना करके ही रहें, कोरोना का बचाव करें, विशेषकर बच्चों को। भारतीय संस्कृति है ये स्वच्छता का त्यौहार है। इसमें त्यौहार में पूरी स्वच्छता के अनुसार भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। साथ ही साथ मान्यता है कि षष्ठी उनके हमारे दिमाग से निकल गया बहन है, कोरोना नहीं है। हम सूर्य और उनके बहन षष्ठी देवी की इस त्योहार में पूजा करके जरूरी है और अपना प्रेम प्रकृति के प्रति दिखाते हैं। ये पूरे देश में छठ पूजा हो रही है। कल हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके महिलाएं घर में जा करके पारण करेगी और समूह का सभी को भगवान सूर्य का आशीर्वाद शहरवासियों को मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये त्यौहार हमारे शहर को कोरोना से मुक्ति अवश्य दिलाएगा। इस आशा में सभी लोग मिलजुल करके काम करें। मैं रवि षष्ठी व्रत के अवसर पर सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ।